किम जोंग उन की हिमाकत से अमेरिका बेहद आक्रामक हो चुका है। किम के परमाणु परीक्षण की खबर से पहले ही अमेरिका ने अपने समंदर के सिकंदर को पानी में उतार दिया है। जापान सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन उतर चुका है। जापान के साथ मिलकर अमेरिकी सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। कुछ यूं समंदर में बारूद बरस रहा है। नीले पानी में प्रलयंकारी प्रहार का युद्धाभ्यास किया जा रहा है। महासागर में शत्रु संहारक जंगी जहाज उतारकर अमेरिका अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। जापान के साथ मिलकर अमेरिका समुद्र से अपने जानी दुश्मन को आगाह कर रहा है। जापान सागर में खड़े होकर अमेरिका के लड़ाके उत्तर कोरिया और चीन को सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अमेरिका का विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ जापान सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी विमान वाहक सोमवार को सुशिमा स्ट्रेट की ओर बढ़ा था। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर सप्रुआंस और जापानी डिस्ट्रॉयर इनाजुएमा भी समंदर में उतर कर अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। यूं तो अमेरिका ने मार्च में कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिम में भी एक जंगी विमान के साथ युद्धाभ्यास किया था, लेकिन इस बार जापान सागर में उतरकर बारूद बरसाया है और करीब 5 साल बाद जापान सागर में अमेरिका का ये अवतार दिखा है। जापान सागर में एक अमेरिकी परमाणु संचालित विमान वाहक पोत को पिछली बार साल 2017 में देखा गया था। तब उत्तर कोरिया ने एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी और इस बार फिर से किम जोंग उन के एटमी परीक्षण की तारीख लगभग तय है। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के परीक्षण की खबरों से अमेरिका तनाव में है। ऐसे में उसने अपने सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को कोरियाई प्रायद्वीप पर भेजा है। अमेरिका ने अपने जिस सबसे बड़े सिकंदर को पानी में उतारा है वो यूएसएस अब्राहम निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। 1,000,000 टन से भी ज्यादा वजनी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन में 9 स्क्वाड्रन है। इस पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक F-35 इस पर तैनात है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर गाइडेड मिसाइलें भी तैनात रहती हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।